हेलो गाइस, वेलकम टू रूट्स एकेडमी। और इससे पहले मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। और इस वीडियो में आप देखना, बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है ये। अब जिससे इस वाले को जब मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट कंटेन होगा और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक होगा, तो उसको हम विद इन अ मिनट कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं ये देखना। वही चीज़ें मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1, एंड मिडिल टर्म में रूट कंटेन होना चाहिए। तो आप देखना इसको कैसे हम एक मिनट के अंदर अंदर में फैक्टराइज कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो फाइनल देखो, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो 1 का अगर मल्टीप्लाई, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 1 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 6। तो 6 को आपको क्या करना है ना, कि ये जो 6 आया है, इस 6 को आपको इस बार डिवाइड करना होगा। और किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ जो रूट के अंदर होगा 3, यहाँ पे 3 है तो 3 से, और कुछ और होगा तो कुछ और से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 3 है तो आप 3 से इसको डिवाइड कर ले। अब देखो, 3 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, है ना। अब इस 2 को आपको क्या करना है कि 2 इक्वल, यानी कि इस 2 को आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे इसके बाहर वाला आ जाना चाहिए, रूट के बाहर जो नंबर होगा। तो रूट के बाहर यहाँ पे क्या है, 3। तो आप इसको इस तरीके से दो नंबर में ब्रेक डाउन करें कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 3, एंड मल्टीप्लाई करने पे 2। तो माइंड में अब आ गया होगा क्या, 2 एंड 1, क्लियर है, क्योंकि 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। बस ये दो नंबर मिल गया। अब जैसे ही ये दो नंबर मिलेगा, अब हर कुछ हो चुका है। बस आप देखें कैसे, ये दो ब्रैकेट ले लें आप, इक्वल टू 0 है तो 0, एक्स वेरिएबल में ये इक्वेशन है तो एक्स, पहला साइन माइनस है तो माइनस, पहला ये 2 है तो 2 ले लें, क्लियर है। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 लगा लें, एंड इसमें भी x है तो x। अब यहाँ माइनस है तो आपको पता होगा कि ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको क्या करते हैं, ये जो साइन है वो बदल के आती है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब फाइनल यहाँ 1 है तो 1 लिख लें। अब इसके साथ भी आपको क्या लगा लेना होगा, रूट 3। लेकिन आपको पता है कि रूट से पहले हम 1 नहीं लगाते हैं, तो 1 नहीं लगाएंगे, हटा दिया हमने 1। बस इधर हो गया हमारा, फैक्टराइज हो चुका है, इधर x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ से आपने माइंड में आ गया होगा x की वैल्यू क्या आएगी, यस 2√3, और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, √3। दैट्स इट, देखो कितना आसान है। अब देखो इसको मैं और जल्दी कैसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 60 है, आपको 60 को डिवाइड करना होगा किससे, रूट के अंदर वाले से। यहाँ क्या है, 5, तो 5 से डिवाइड करें आप, तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12। अब इस 12 को ही आप दो नंबर में ब्रेक डाउन कर दें, और इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस या माइनस करने पे रूट के बाहर वाला आ जाना चाहिए। 7 है तो 7 लाना है। अब सोचो क्या आ जाएगा, यस 4 एंड 3, क्योंकि 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 तो 7। बस दो नंबर मिल गया, आपका फैक्टराइज हो चुका है, एक्स फर्स्ट साइन तो यही आ जाएगा, 4 है तो 4। अब इसके साथ क्या लगाना होगा आपको, यस यहाँ √5 है तो √5, एंड दूसरा ये एक्स, ये 3 है तो 3, साइन यहाँ देखो प्लस है, जब सम में प्लस होना तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये 3 है, इसके साथ क्या लगाना होगा आपको, √5 इक्वल टू 0। डेट्स इट, देखो ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड में हो गया हो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर निकाल दूँ तो माइनस, नहीं तो आप ऐसे कर ले, चलो छोड़ो, इधर x प्लस 4√5 इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर से इसको कर लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लूँ, तो x प्लस 4√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x प्लस 3√5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालो तो क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू -4√5 और x इक्वल टू -3√5, आंसर, डेट्स इट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी आसान है, आप खुद ट्राई कर ले एक बार, खुद बन जाएगा ये। बहरहाल मैं बता रहा हूँ इसको, तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 10 है तो आपको 10 को डिवाइड करना होगा किससे, ये 2 से, तो जैसे डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा, 5, है ना।
अब 5 को हमें क्या करना है, दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए एंड प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए, रूट के बाहर वाला 4 है तो 4 आना चाहिए। तो देखो आप इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, बताओ बताओ। तो फाइनल देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो 5 में एंड 1 में, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4, हो गया, डेट्स इट। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट ले ले, y है तो इस बार y लेंगे, फर्स्ट साइन माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, इसके साथ रूट 2 है तो रूट 2 ब्रैकेट बंद, फिर y यहाँ माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा यानी प्लस, 1 है तो 1 एंड फिर इसके साथ आपको रूट लगाना होगा कौन सा, रूट 2, तो यहाँ पे हमने लगा लिया रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। अब एक चीज़ देखो, आपको पता होगा कि रूट से पहले 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो इस 1 को मिटा दो। अब वही चीज़ें इधर y माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 और y प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, फाइनल y कितना मिल जाएगा आपको, 5 रूट 2 और y इक्वल टू माइनस का रूट 2, कितना सिंपल है। तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें सबको। तो अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या है, वे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज रेदर देन 1 एंड स्क्वायर रूट इन्वॉल्व इन द मिडिल टर्म। ये जो टाइप 2 में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 1 के अलावा कुछ भी होगा, और मिडिल टर्म में रूट का जो सिंबल है ना वो इन्वॉल्व होगा। रूट जैसे यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है और कुछ भी रूट्स में हो सकता है यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ, यानी x का कोफिशियंट। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी अप्लाइड होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा किस में, 3 का और 5 का। तो मल्टीप्लाई करो तो 3 5 से क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब इस 15 को आपको दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज करना है, ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 15। लेकिन देखो ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसके मिडिल टर्म में क्या इन्वॉल्व है, रूट 5 है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे रूट 5 है ना, तो रूट 5 आप क्या करो यहाँ लगा ही लो, इन दोनों में आपको रूट 5 लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करो, तो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये 5 में आप सोचो कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 आ जाएगा, तो माइंड में क्या आएगा, सर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 का क्या आ जाएगा, 15। तो ये जो 3 आया ना, इस 3 को आप इसके साथ लगा लें, ये जो दो नंबर में ब्रेक डाउन था इस वाले में, बस इतना करने के बाद अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है अब हमें, ठीक है। तो अब दो ब्रैकेट बना ले यहाँ, दो ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, x वेरिएबल में ये पॉलीनोमियल है तो x ले लो, और पहला ये जो है 3√5 तो ये 3√5 ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी x ले लो और उसके बाद रूट 5 है तो रूट 5 ले लो, ठीक है। उसके बाद बारी अब आएगी साइन इंसर्ट करने की, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, और जब यहाँ प्लस होता है तो ये वाला साइन भी एज इट इज़ आ जाता है, तो ये माइनस का ही आ जाएगा। अब मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जब 1 के अलावा कुछ होता है, रेदर देन 1 होता है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड करना होगा 3 से। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पे इक्वल टू 0 कर, ठीक है। अब फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर x प्लस 3√5 अपॉन 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5√5 अपॉन 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर भेज दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3√5 अपॉन 3, ठीक है। और फाइनल फिर क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू ये हो जाएगा √5 अपॉन 3। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 को आप कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का √5 और x इक्वल टू यहाँ ये तो कैंसिल नहीं होगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा √5 अपॉन 3। ये दो वैल्यूज़ हो गए आंसर। वैसे अब इस वाले को भी देखते हैं, तो देखो आप यहाँ पे फिर से वही चीज़ क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है तो 2 तो आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई √3 का √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाता है, ये 6 है ना। तो अब इस 6 को फिर से वही चीज़ करो, दो नंबर में ब्रेक डाउन करो,
तो जैसे हम दो नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना है कि प्लस या माइनस करने पे 2√2 आ जाए। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे √2 है ना, तो इसमें भी आप क्या करो, √2 एंड √2 लगा लो, ठीक है। अब फिर से वही सोचो कि अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, जबकि हमें कितना चाहिए 6, तो 2 में मल्टीप्लाई कितना से करोगे, 3 से, है ना। अब ये जो 3 आया, बस इसी 3 को आपको क्या करना है, बस पहले वाले के साथ लगा लो 3। अब फिर से वही चीज़ करो, दो ब्रैकेट बना लो और एक एक के साथ लेते हुए चलो। तो दो ब्रैकेट हमने बना लिया, इक्वल टू 0 है तो हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ x है तो x ले लो, साइन माइनस है तो पहले वाली साइन तो वही आ जाएगा माइनस, पहले में हमने क्या लिया 3√2, तो यहाँ ले लेंगे 3√2, ठीक है। और वही चीज़ फिर यहाँ पे x है तो x, और यहाँ देखो क्या है, माइनस है, तो जब ये माइनस होता है तो इसकी साइन क्या होती है, बदल जाती है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और दूसरा वाला क्या है, ये √2, तो √2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो एक के अलावा कुछ और है, तो हमें √3 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइडेड बाई √3 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर x माइनस 3√2 अपॉन √3 इक्वल टू 0, और x प्लस √2 अपॉन √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इसको इधर भेज दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3√2 अपॉन √3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2 अपॉन √3, ठीक है। अब फाइनल देखो ये जो 3 है ना, आपके कई बार होगा कि यहाँ पे लिखने के बाद ना आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू ये जो 3 है ना, या इसको रेशनलाइज कर दो आप, ठीक है। तो रेशनलाइज करने पे आ जाएगा, या फिर इस 3 को आप ऐसे लिख लो, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये √2 है तो √2 एंड अपॉन ये आ जाएगा √3, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3। तो देखो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, और x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 आंसर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आप इजी वे में कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए ना, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, यहाँ पे भी रेशनलाइज कर सकते थे, तो फिर वो भी आंसर आएगा। जैसे डिनोमिनेटर में रूट आए तो आप रेशनलाइज कर लो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। अब देखो टाइप 3 में क्या होगा, मैंने लिख रखा है व्हेन मिडिल टर्म्स डज नॉट कंटेन स्क्वायर रूट। देखो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन के जो मिडिल टर्म है यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसमें स्क्वायर रूट कंटेन नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो जब मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट नहीं होता, उसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होगा, मैंने 3 अलग अलग टाइप बना दिया, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट सबका वही होता है। तो देखो आप इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो √5 और √5 मल्टीप्लाई होगे कितना आएगा, 5, लेकिन इसके साथ 3 भी है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 3, तो 5 × 3 से कितना आ जाएगा, ये 15, ठीक है। अब इस 15 को हमें क्या करना है, दो पार्ट में बांटना है। अब दो पार्ट में जैसे ही बांटेंगे, और इस तरीके से हमें बांटना है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, ये 2 आ जाए। तो देखो आप इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, सोचो। तो आप इसको कर सकते हो 5 में एंड 3 में, हाँ, क्योंकि 5 × 3 = 15 एंड 5 से 3 जाएगा 2, वही बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। तो अब फाइनल हम इसको क्या कर लेंगे, फिर से वही दो ब्रैकेट अब बनाओ। अब जैसे ही दो ब्रैकेट हम बनाएंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x है तो x ले लो, और पहले वाले साइन तो एज इट इज आता है, तो प्लस। अब देखो ये 5 है तो 5 ले लो, हो गया। वही चीज़ यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये साइन एज इट इज आएगा, और ये 3 है तो 3। अब देखो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, रेदर देन 1 है, एक के अलावा कुछ और है, तो इससे हमें इसको क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो हमने डिवाइड कर दिया 5 से, √5 है तो √5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी हमें डिवाइड करना होगा कि से √5 से। अब इसके आगे हम क्या कर लेंगे, इधर एक्स प्लस √5 अपॉन, सॉरी सिर्फ 5 है, 5 अपॉन √5 इक्वल टू 0, और एक्स माइनस 3 अपॉन √5 इक्वल टू 0। अब देखो फाइनल मैं एक चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ से एक चीज़ निकाल लो। अब x इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 अपॉन √5 है ना, और यहाँ से निकालेंगे तो, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन √5,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो आप इसको ना रेशनलाइज कर सकते हैं। तो जैसे रेशनलाइज करोगे तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव रूट फाइव एंड अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, फाइव। वैसे इधर भी आप रेशनलाइज करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थ्री रूट फाइव एंड अपॉन में नीचे में क्या आ जाएगा, फाइव। ठीक है, रेशनलाइज करना आप सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल, तो फाइनल क्या बचा, माइनस का रूट फाइव। और यहाँ तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, थ्री रूट फाइव अपॉन फाइव, ये दो आंसर हो गए। ठीक है, वैसे इस वाले का आप देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, मैंने दो क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप सेकेंड से क्लियर कर सकते हो। अब देखो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा एंड रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा। तो करो तो थ्री टेन जा क्या हो जाएगा, थर्टी, एंड इसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा, रूट फाइव का रूट फाइव से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो फाइव, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 150 आ जाएगा। ठीक है, अब 150 को क्या करो, दो ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करो जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या देना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो बस इसको यहाँ से लिख लो, 25 है ना, तो 15 एंड 10 ले लो, ये तो ईजी है क्योंकि 15 टेन सा क्या हो जाएगा, 150, एंड 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 25। तो ये तो सिंपल है। तो अब फिर से हमें वही चीज़ें करनी है, आप दो ब्रैकेट बना लो, दो ब्रैकेट हमने बना लिया, इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो कर लो। ठीक है, अब फाइनल क्या हो जाएगा, ये एक्स वेरिएबल में पोलिनोम में एक इक्वेशन है तो एक्स ले लो एंड एक्स, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, 15, तो 15 ले लेंगे, फिर यहाँ एक्स एंड यहाँ 10 है तो क्या ले लेंगे, 10, साइन इंसर्ट कर लो, तो ये प्लस है तो प्लस का ही आएगा। और जब यहाँ प्लस होता है तो इसकी साइन बदलती नहीं है, मतलब ये भी प्लस का ही आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक के अलावा कुछ और है, तो हमें इससे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो डिवाइड कर दो किससे, थ्री रूट फाइव से, फिर इसको भी डिवाइड कर दो आप थ्री रूट फाइव से, हो गया। अब वही चीज़ें फिर से कर लो, इधर एक्स प्लस 15 अपॉन थ्री रूट फाइव इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन थ्री रूट फाइव। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, यहाँ पर प्लस लगा लो पहले, इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप x की वैल्यू स्क्वायर एच में भेज देंगे, तो देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 15 माइनस का 15 अपॉन थ्री रूट फाइव, और यहाँ से भी x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन थ्री रूट फाइव। ठीक है, तो अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट है ना रूट फाइव, तो रूट फाइव से आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी करना होगा, तो मैं एक का करके बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 15 एंड अपॉन थ्री रूट फाइव है तो थ्री रूट फाइव। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी में रूट फाइव इंटू रूट फाइव से, क्लियर है ना। अब जैसे इसमें रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 15 रूट फाइव एंड अपॉन ये 3 है तो 3 इंटू रूट फाइव का रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। जब रूट के अंदर सिमिलर चीज़ होता है तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है, यानी कि 5 ही आ जाएगा। तो देखो 5 3 15 और ये 15, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल क्या बच गया, x इक्वल टू माइनस का रूट फाइव। ठीक है, और वैसे आप इसका भी कर लेंगे तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, काफ़ी इजी है, आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं।